हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे सीजीपीएससी मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पर। काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रहा था कि बुक्स का एक लिस्ट प्रोवाइड कराइए करके। हाँ, वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन चलिए, आप लोगों के कहे जाने पर, आप में से बहुत लोग के ये चीज़ें आई है, मतलब एज अ कमेंट, एज अ रिक्वेस्ट कि सीजीपीएससी मेंस के लिए कुछ बुक बताइए, आंसर लिखने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो कुछ आंसर राइटिंग का थोड़ा तरीका बताइए, और कुछ आपके एसे के लिए कुछ आपके टॉपिक्स और हिंट बता दीजिए करके। चलिए, तो आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अभी पहले आपको स्टार्टिंग में सारे के सारे बुक्स के नाम बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक, देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपकी भाषा, लैंग्वेज। इस बार संस्कृत को हटा दिया गया है, तो इस बार तीन लैंग्वेज के आपके टॉपिक्स है, मतलब हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। इसमें जो आपको हिंदी के लेना है, मुस्कान पब्लिकेशन, पटेल ट्यूटोरियल, हमारे छत्तीसगढ़ में ही पटेल ट्यूटोरियल की बुक है मुस्कान पब्लिकेशन की, उसकी आप हिंदी की आप थ्योरी बुक भी लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी लीजिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से पढ़िएगा। इसके अलावा आप ल्यूसेंट की हिंदी भी ले सकते हैं। सेकेंड है आपका इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको लेना है टेंथ सीजी बोर्ड की जो टेंथ की बुक है, उसमें जो ग्रामर दिए रहते हैं उसको पढ़िए। इसके अलावा प्रतियोगिता सारांश, इसको तो आपको खरीदना ही है। प्रतियोगिता सारांश का अभी न्यू एडिशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस साल प्रतियोगिता सारांश यानी जो टूटेजर ट्यूटोरियल की जो बुक है, प्रतियोगिता सारांश करके वो बुक निकालते हैं, इस साल का तो एडिशन आपको नहीं मिलेगा, इस साल उन्होंने कोई एडिशन नहीं निकाला है, पिछले साल का एडिशन आपको कहीं से मिले तो ये इंग्लिश का ले लीजिएगा। वैसे इंग्लिश के जो कुछ जो टॉपिक है इसमें से हटाया गया है, जैसे लेटर राइटिंग हटाया गया है, इसके अलावा आपका ट्रांसलेशन जो है उसको हटाया गया है। सिलेबस देख के तैयारी कीजिएगा। देखिए, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ कंजूसी मत करना, मेंस के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना। मैंने कई लोगों को देखा है कि डायरेक्ट बस मोबाइल से हो या लैपटॉप में हो, पीडीएफ को देख देख करके, टॉपिक ढूंढ ढूंढ करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। वैसा गलती मत करना, पैसा लगा करके थोड़ा सा उसका पीडीएफ निकालने का कष्ट कर लो, अंडरलाइन करके टॉपिक की तैयारी करो। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी के लिए जो आपके छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली और भाषा के लिए आपको जो बुक प्रीफर करना है वो हमारे छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा ये जो पब्लिश बुक है छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की, हीरालाल काव्यपाध्याय, हीरालाल काव्यपाध्याय की बुक से आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक, नेक्स्ट है पेपर नंबर टू। पेपर नंबर टू इसमें भी चेंजेस किए गए हैं, पहले आपको केवल दो ऐसे लिखने पड़ते थे, इस बार आपको चार ऐसे लिखने पड़ेंगे। चार ऐसे जो कि 750 शब्द के रहेंगे, दो ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या समस्याओं से आते हैं। देखिए, मुद्दे या समस्याओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, दूसरे है आपका दो निबंध लिखना है आपको छत्तीसगढ़ की समस्या से, तो छत्तीसगढ़ की समस्या के लिए आपको लेना है वही प्रतियोगिता सारांश, टूटेजर ट्यूटोरियल की पिछले साल की मिलती है तो भी ले लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का लीजिएगा। ठीक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के लिए तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी ऐसे लिखने के लिए आप करेंट इवेंट, पिछले एक साल में जितने भी करेंट इवेंट हुए हैं वो टॉपिक उठाइए। जैसे अगर मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करूँ तो राष्ट्रीय मुद्दा कौन कौन सा था, आपका अनुच्छेद आपका 35A धारा 370 था, उसके अलावा जो सबरीमाला में जो महिलाओं को प्रवेश करने से रोका गया वो मुद्दा था, तीन तलाक था, GST को लेकर के था, तो ये सारे चीज़ें आपके करंट इवेंट में थे। आपकी जैसे इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में जैसे आपके जो आतंकवादी जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे रिलेटेड एक ऐसे तैयार कीजिए। ठीक, अब जैसे हम छत्तीसगढ़ की समस्याओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ की समस्याओं में आपका नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद अभी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे गरमाया हुआ आपका जो टॉपिक है वो है आपका कृषि, कृषि के कारण पूरा का पूरा सत्ता चेंज हो गया। जैसे आपसे टॉपिक पूछ सकता है कि किसानों की कर्ज माफी समस्या का समाधान है या एक नई समस्या की शुरुआत है, तो ये किसानों की कर्ज माफी के ऊपर तैयार कीजिए। इसके अलावा आदिवासी जनजाति, हर साल आदिवासी जनजाति से एक ना एक ऐसे का टॉपिक पूछता ही है, उनकी अर्थव्यवस्था से पूछेगा, उनकी संस्कृति से पूछेगा, उनके कला से पूछेगा, तो आदिवासियों का जो है हमारे यहाँ जो आदिवासी जनजाति के है जो उनके कल्चर, उनकी समस्याएं, ठीक, और जो उनका लोक संस्कृति है उनसे भी टॉपिक तैयार करके रखिए। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में आपको एक नक्सलवाद को अच्छे से करना है और एक किसानों की कर्ज माफी यानी कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की कर्ज माफी और आदिवासी जनजाति, तीन टॉपिक पे आप तैयार रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा आपको करना है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के ऊपर करना है, महिला को जो सबरीमाला में जो प्रवेश से रोका गया उसको करना है, तीन तलाक को करना है, GST को करना है, आतंकवादी घटनाक्रम के लिए एक ऐसे तैयार रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका पेपर नंबर थ्री। देखिए, अगर आप और इससे संबंधित जो मुद्दे पे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वैसे तो आपका प्रतियोगिता दर्पण आपको हर मंथ पढ़ना चाहिए था, वैसे तो अभी समय निकल गया है, लेकिन फिर भी कुछ वर्डिंग यूज़ करने के लिए आप इसमें अरिहंत की बुक ले सकते हैं। अरिहंत की एक निबंध माला करके बुक आता है, ठीक, परीक्षा वाणी की बुक आती है, तो कुछ ऐसे बुक एक एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं आप।
नेक्स्ट है आपका पेपर नंबर थ्री। पेपर नंबर थ्री में आपका तीन पार्ट में है, भाग एक, भाग दो, भाग तीन। भाग एक जिसमें है आपका इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की बुक अगर आपके पास है तो। देखिए वैसे तो ये बुक मार्केट से बाहर हो चुका है, लेकिन बिलासपुर में और रायपुर में कुछ बुक डिपो में आपको इसके फोटोकॉपी मिल जाएंगे। फोटोकॉपी का कलेक्शन वो अभी भी रखे रहते हैं, ठीक। तो वहाँ से आपको क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बुक लेकर के हम करेंगे क्या और पढ़ेंगे कब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट आउट निकाल दीजिए। प्रिंट आउट निकाल करके टॉपिक को अंडरलाइन करके देखिए, यहाँ आपको लग रहा है कि क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक एनसीईआरटी की बुक बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक एक टॉपिक को अंडरलाइन करके पढ़ेंगे ना, तो वो क्या है, ये चीज़ें आपके लिए कम हो जाएगी। क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक टॉपिक वाइज पढ़ना है, पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है उसी टॉपिक को इनसे तैयारी करना है, ठीक। इसके अलावा यदि ऑथेंटिक सोर्स में जाएंगे तो ऑथेंटिक सोर्स में आपका स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये आधुनिक भारत के लिए है, ठीक। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी की बुक का जो फोटोकॉपी आपको बिलासपुर या रायपुर में मिलता है तो उसे परचेस कर लीजिएगा। अगर ये दोनों से ही नहीं करना है आपको तैयारी, तो एक सिंपल और सादा सोल्यूशन है, अरिहंत की इतिहास की एक बुक आती है उसको ले लीजिए। उसमें जो वर्डिंग है काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं, ताकि उससे आपका भाषा शैली भी उससे आपका अच्छा हो जाएगा। आप में से बहुत लोग करते हैं ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक सोर्स, कोई एक ऑथेंटिक बुक बताइए करके। ऑथेंटिक बुक बहुत सारे हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए, ठीक। तो देखिए मैंने जब मैं खुद अपना कोचिंग कर रहा था, तो उस समय मैंने भी जो वहाँ पे इंटरव्यू मतलब जो बताने के लिए अपना एक जैसे कोई टॉपर रहते हैं, तो वो टॉपर का नाम था दिनेश करके समथिंग था, दिनेश उनका नाम था, उनका नाम मेरे को पूरा नहीं मालूम। तो उन्होंने अपना थोड़ा शेयर करने के लिए आए थे अपना एक्सपीरियंस की मतलब मैंने तैयारी कैसे कैसे करी करके। तो उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे कि जैसे बहुत लोग जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, काफ़ी बड़ी बड़ी बुकों के नाम लेते हैं, हर जगह ऑथेंटिक बुक मोटी मोटी बुक परचेस तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। उन्होंने अपना पीएससी निकाला है तो अरिहंत की बुक से ही निकाला है, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने अरिहंत के बुक को ही फॉलो किया है। देखिए हो सकता है कि कई लोग ऑथेंटिक पढ़ने का कई लोग का आदत है, जैसे अगर मैं आपका पेपर नंबर सॉरी इसके ही अगर आपके भाग दो की बात करूं तो संविधान संविधान की, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी ही चाहिए। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास एम लक्ष्मीकांत की बुक नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अंधेरे में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक किसी भी कोचिंग सेंटर का बुक आप संविधान के लिए फॉलो कर रहे हैं वो सब बकवास है। एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, काफ़ी डिटेल में रहता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है एक एक शब्द को लेकर के, ठीक। एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके वहीं हट जाएंगे। जिन चीज़ों को पढ़ने में दिक्कतें आ रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अरिहंत की बुक फॉलो किया कीजिए वहां पे, ठीक। काफ़ी अच्छे वर्डिंग उसमें यूज रहते हैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसके लिए, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का ल्यूसेंट भी आता है, छत्तीसगढ़ का अरिहंत भी आता है, हमको छत्तीसगढ़ के लिए फॉलो नहीं करना है। जो बचे हुए आपका जनरल स्टडी है जैसे हिस्ट्री हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आगे आपका इन्वायरमेंट हो गया, उसके लिए आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो संविधान के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी ही है, टॉपिक वाइज बुक मोटी है। इसके लिए भी पीडीएफ से पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा एम लक्ष्मीकांत की बुक को, बुक परचेस कीजिए, टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। अगला है आपका लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के लिए ज़्यादा हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है, प्रतियोगिता सारांश टुटेजा ट्यूटोरियल की प्रतियोगिता सारांश आती है उससे ही पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। फिर है आपका भाग तीन जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आपको छत्तीसगढ़ समग्र पढ़ना है, वही आपकी ग्रंथ अकेडमी छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की पब्लिकेशन है आपकी छत्तीसगढ़ समग्र, उसको पढ़ना है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ बृहत संदर्भ, छत्तीसगढ़ बृहत संदर्भ जो कि उपकार पब्लिकेशन का है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ बृहत संदर्भ कई लोग को मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ बृहत संदर्भ पढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा ये बुक ऑथेंटिक नहीं है। छत्तीसगढ़ समग्र जो इसका पब्लिकेशन हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, वहीं छत्तीसगढ़ बृहत संदर्भ जिसका पब्लिकेशन आपका इलाहाबाद का है, हमारे छत्तीसगढ़ का बुक नहीं है ये, इसका पब्लिकेशन इलाहाबाद में होता है, ठीक। इसमें कई जगहों के नाम जैसे कोरबा बिलासपुर को एक साथ ले लेता है ये, या कोरबा जांजगीर चांपा को एक साथ ले लेता है, मैंने काफ़ी देखा है। हर साल इसकी बुक में कुछ ना कुछ सुधार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक ऑथेंटिक बुक लेके नहीं चल सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए जो इसमें वर्डिंग यूज़ हुए कि मतलब एक आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है।
पढ़ रहे हैं तो अपने थोड़ा उसमें देखते हुए पढ़िएगा कि मतलब इसमें क्या चीज़ लिखा है, आँख मूंद के उसको रटिएगा मत, ठीक। तो थोड़ा इसको देख के पढ़ना है, छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ को उपकार पब्लिकेशन और छत्तीसगढ़ समग्र, ठीक। छत्तीसगढ़ समग्र अगर आपके पास 2015 वाला एडिशन होगा, 2015 एडिशन वैसे तो मार्केट में होगा नहीं, लेकिन मार्केट में इसके फोटो कॉपी अभी भी बिकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे वर्डिंग का यूज़ हुआ है। इसका वर्डिंग कैसा यूज़ होता है लास्ट में आपको आंसर राइटिंग के टाइम अभी बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी का जो छत्तीसगढ़ समग्र अभी जो आया है पीले कलर का, वो पूरा का पूरा बकवास है, कोई ढंग के उसमें सोर्स नहीं है, कोई ढंग का उसमें आपको आंसर राइटिंग कंटेंट नहीं मिलेगा। 2015 का अगर छत्तीसगढ़ समग्र आपके पास होगा तो उसे, या किसी और के पास होगा तो उसे वो फोटो कॉपी करा लीजिए, या बुक डिपो में इसके फोटो कॉपी अभी भी अवेलेबल है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आपको पेपर नंबर फोर जिसमें है आपका साइंस, भाग एक में है साइंस। साइंस के लिए आपको क्लास टेंथ छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास टेंथ की बुक प्रीफर करना है। इसके अलावा परीक्षा बोध जो कक्षा दसवीं में परीक्षा बोध आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो ये जो परीक्षा बोध भी परचेस कीजिए, क्लास टेंथ की सीजी बोर्ड की बुक भी परचेस कीजिए, ठीक। सीजी बोर्ड की, सीबीएसई नहीं, सीजी बोर्ड की, ठीक। इसमें क्या परीक्षा बोध में आपको मालूम चल जाएगी परीक्षा बोध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर ऐसे टाइप के अलग अलग सेक्शन में प्रश्न बटे रहते हैं, तो आपको हर एक प्रश्न में किस प्रकार से कैसे आंसर राइटिंग करना है तो आपको परीक्षा बोध में मिल जाएगा। डिटेल में पढ़ना है तो क्लास टेंथ की साइंस की बुक ले लीजिए, दोनों लेके रखिएगा, ठीक। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के लिए क्लास टेंथ सीजी बोर्ड सफिशियंट है, प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। स्पेशल इसमें से जो टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको इस बार थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। सेकंड है आपका रीजनिंग, रीजनिंग के लिए कुछ लोग आरएस अग्रवाल फॉलो करते हैं, कुछ लोग शारदा पब्लिकेशन की बुक फॉलो करते हैं, दोनों में से जो बुक फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। शारदा पब्लिकेशन की बुक आपको प्री के साथ, मेंस के साथ साथ प्री में भी काम आएगा, प्री में भी इससे अगर आप, जैसे कई लोग क्या है प्री में भी कई लोग के मैथ्स रीजनिंग अच्छे नहीं है तो शारदा पब्लिकेशन की बुक फॉलो कीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। आरएस अग्रवाल भी ले सकते हैं या शारदा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अगर एकदम रीजनिंग में ही जाना है, जैसे आपके पासा से जो प्रश्न आते हैं है ना, तो वैसे डाइस के जो प्रश्न है ऐसे टाइप के प्रश्न जो है उसके लिए आपको परफेक्ट रीजनिंग की जो बुक आती है दीपक कुमार की परफेक्ट रीजनिंग से टॉपिक वाइज इन चीज़ों को आपको तैयार करना है, ठीक। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का जैसे मैथ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इसका यदि आपको सॉल्यूशन के साथ बुक चाहिए तो मुस्कान पब्लिकेशन का मेंस मुख्य परीक्षा, आपके ये मैथ्स और रीजनिंग का मुख्य परीक्षा का एक बुक आता है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक। भाग तीन जिसमें आपका अप्लाइड एवं व्यावहारिक विज्ञान के बारे में बताया गया है, इसमें आपका साइंस टेक्नोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट मतलब आपका पर्यावरण के बारे में इस भाग में बताया गया है। देखिए इसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण प्रौद्योगिकी पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण प्रौद्योगिकी। इसमें आपको जो नए टेक्नोलॉजी है जो अभी अभी आए दिन आप सभी को मालूम है, जो आपके नए स्पेस मिशन जो हो रहे हैं चंद्रयान 1 चंद्रयान 2, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्रतियोगिता दर्पण प्रौद्योगिकी एक अत्रिकांक करके वो जारी करता है, हर साल जारी करता है। तो पिछले साल जितने भी आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए या जो जो नए नए इन्वेंशन हुए उसकी जानकारी आपको प्रतियोगिता दर्पण से मिल जाएगी, प्रतियोगिता दर्पण अत्रिकांक प्रौद्योगिकी करके। इसके अलावा ल्यूसेंट की बुक आपको रखना है जिसमें आपको थोड़े पहले के भी जैसे आर्यभट्ट हो गया, उसके अलावा आपका आर्यभट्ट रोहिणी आपका इनसेट सीरीज, तो ये सारे थोड़े पिछले टेक्नोलॉजी को भी हमको पढ़ते चलना है तो उसके लिए ल्यूसेंट अच्छा है। अब ये है अरिहंत की बुक आपको फॉलो करना है आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए, ठीक। इन्वायरमेंट के लिए आपको अरिहंत की बुक लेनी है। ऑथेंटिक बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पर्यावरण हमको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें पढ़ना है। आपको सिलेबस से टॉपिक अंडरलाइन करके इस अरिहंत की बुक से चीज़ों को पढ़ना है। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए ल्यूसेंट और प्रतियोगिता दर्पण सफिशियंट है, आपके इन्वायरमेंट के लिए अरिहंत की बुक सफिशियंट है, ठीक। पेपर नंबर फाइव में आपका भाग एक में है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यदि आप ऑथेंटिक बुक में जाएंगे तो ऑथेंटिक बुक है आपका रमेश सिंह की बुक ऑथेंटिक है पढ़ने के लिए। प्रतियोगिता दर्पण अत्रिकांक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपका हर साल प्रतियोगिता दर्पण एक अत्रिकांक जारी करता है जिसमें आपको आंसर राइटिंग का पैटर्न भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको नए आंकड़े भी मिल जाएंगे, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है प्रतियोगिता दर्पण अत्रिकांक। और एकदम बेसिक नॉलेज से चालू करना है तो उसके लिए आपके लिए है रमेश सिंह की बुक, ठीक।
छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था जिसके लिए आपको फॉलो कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे वो भी पिछले साल का, अभी जो नया आया है 18-19 का वो नहीं, पिछले साल का 2017-18 को आपको तैयार करना है, क्यों, क्योंकि हमारा पीएससी अभी पिछले साल हुआ है, ठीक, उसमें नए आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको 2017-18 के आंकड़े बताने पड़ेंगे। 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका प्रिंट आउट निकालिए, पढ़ना चालू कीजिए, वर्डिंग भी आपको उसमें मिल जाएगा कि कैसे कैसे वर्डिंग आपको यूज़ करना है। भाग दो जिसमें भारत के भूगोल के बारे में बताया गया है, भारत के भूगोल जिसमें इस बार ये नया ऐड हुआ है, इसमें एक महेश बर्णवाल की बुक आती है भारत का भूगोल करके, उसको परचेस कर लीजिए, सारे टॉपिक्स आपको इसके मिल जाएंगे। भाग तीन जिसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में बताया गया है, तो इसमें छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी एक और बुक पब्लिश की है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन करके, छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की बुक है, उसे परचेस कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के जितने भी आपको भौगोलिक स्थिति है, जो भी पर्यटन स्थल है, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक। पेपर नंबर सिक्स में है आपका, भाग एक है दर्शन शास्त्र, भाग दो है समाजशास्त्र, और भाग तीन है आपका छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य। तो देखिए, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र के लिए आपको जो बुक फॉलो करना है वो है आपका प्रतियोगिता सारांश, पिछले साल का, इस साल नहीं है। दर्शन शास्त्र आपको इस बार मालूम है कि दर्शन शास्त्र में काफ़ी नए थिंकर्स को ऐड किया गया है, जैसे अरस्तु को ऐड किया गया है, हाँ, तो कई आपके नए थिंकर्स इसमें ऐड किए गए हैं, तो आपको दर्शन शास्त्र प्रतियोगिता सारांश टूटेजा ट्यूटोरियल की आपको परचेस करना है। दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र के लिए भी आपको उनकी बुक परचेस कर सकते हैं। जो नए थिंकर्स जिनकी विचारधाराएं ऐड की गई है उसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक एक थिंकर का जो है उसको यूट्यूब में टाइप कीजिए, आपको उसकी सारी विचारधाराओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक। वैसे तो ये जो आपका समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र का नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक, एक मतलब थ्योरी फॉर्मेट में नहीं है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, अभी एक दो रोज में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जिसको चाहिए वो ले सकता है। दो पीडीएफ अपलोड करूंगा, एक समाजशास्त्र का अपलोड करूंगा और एक ये हिंदी लैंग्वेज जो कि प्री के लिए भी आपके लिए काम आ सकता है, मेंस के लिए भी काम आ सकता है, तो एक हिंदी लैंग्वेज का पीडीएफ एक अपलोड करूंगा अभी एक दो रोज में, और एक ये समाजशास्त्र, ठीक, ये दो पीडीएफ अभी आपको एक दो रोज में अवेलेबल हो जाएगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में दे दूंगा या तो टेलीग्राम चैनल या फेसबुक में आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक, थ्योरी में नहीं है, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पीएससी में और उसे कैसे आंसर हो सकते हैं उस पर है ये, ठीक। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य जो आपको पहले बुक बताया, छत्तीसगढ़ समग्र ग्रंथ अकेडमी की, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन और छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ, ये बुक सफिशियंट है, आपको जो टॉपिक आपके छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य में दिए गए हैं वो सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। अब बात आती है पेपर नंबर सेवन। देखिए, इसमें जो है भाग एक जो कि कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून के बारे में है, जिसमें महिलाओं से संबंधित कार्य कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, मानव अधिकार अधिनियम है, बहुत सारे अधिनियम, लगभग 10 से 12 अधिनियम दिए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ के संबंध में भी जो विकासात्मक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके बारे में टॉपिक है। भाग दो जिसमें आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाएँ एवं संगठन के बारे में बताया, खेल घटनाएँ संगठन IMF वर्ल्ड बैंक ये संगठन है। भाग तीन जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपके शिक्षण संस्था के बारे में और मानव विकास में उनका योगदान, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बारे में इसे पूछा गया है। देखिए, ये जो आपका पेपर नंबर सेवन है ये कट कॉपी पेस्ट है आपके MPPSC मेंस का जो पेपर नंबर टू है, पेपर नंबर टू में आपके ये टॉपिक को उठा करके कट कॉपी पेस्ट मार दिया गया है, ठीक। तो इसके लिए जो मैं बुक सजेस्ट करूंगा वो बुक है आपका महावीर पब्लिकेशन, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको MP के किसी बुक डिपो से इसको मंगाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने भी इसके बुक को ऑर्डर किया है, अब देखते हैं कब तक आता है। वैसे इसका न्यू एडिशन आने को था 2018 का, जो पिछले साल जो मेंस हुए हैं उसका भी प्रिंट होने में थोड़ा टाइम था, करके आने में टाइम लग रहा है, वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया है, बोले तो है कि 1 वीक में आ जाएगा करके। तो ये जो महावीर पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, पुणेश्वर करके है, एक पुणेश्वर पब्लिकेशन की बुक है जो कि आपको क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक। और एक है तक्षशिला, तीन बुक वहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो सबसे जो सजेशन में आया मेरे को, एक महावीर पब्लिकेशन का आया है और एक आपका पुणेश्वर पब्लिकेशन का आया है जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। दोनों में से यदि आपको कोई भी बुक मिलता है तो आप ले सकते हैं, ठीक।
कुछ लोग बोल रहे थे कि पेपर नंबर 7 की तैयारी कराया जाए करके। देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि पेड कोर्स इसका कराया जाए। देखिए मेरे हिसाब से समय काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, सीएमओ के कारण हम शुरू से इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए हैं। अगर मैं इसका पेड कोर्स भी कराऊंगा और डेली बेसिस पे अगर वीडियो भी अपलोड करूंगा तो नॉर्मल केस में कम से कम 45 दिन का समय लगेगा, इसमें जितने नियम अधिनियम दिए गए हैं, ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके बाद आपके शिक्षण संस्थाएं हो गए, ये आपके संगठन हो गए, हर चीज़ को डिटेल करने में मेरे को मिनिमम अगर 45 दिन का समय तो नॉर्मल केस में लगेगा, अगर इसको ख़त्म कराने के लिए अगर मैं डेली वीडियो भी डालता हूँ और लंबे वीडियो भी डालता हूँ तो कम से कम मुझे 30 दिन का समय चाहिए, ठीक। तो 30 दिन रेगुलर वीडियो और आपके लंबे लंबे वीडियो आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना सस्टेन कर पाएगा, डेली लंबे लेक्चर्स और डेली डेली वीडियो और डेली नोट्स बनाना, तो क्या है नोट्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा मैं, केवल वीडियो ही दे पाऊंगा आप लोग को। तो फिलहाल इस साल मैं ये प्लानिंग को नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए इसके थोड़े नोट्स प्रिपेयर करूँगा या कुछ करूँगा, लेकिन इस साल क्या मैं इसका नोट्स भी प्रिपेयर नहीं कर सकता और आपको इसको कंप्लीट कराने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा, क्योंकि अभी मैंने इस सिलेबस को आधा ही खत्म किया है, केवल कल्याणकारी योजना और कानून तक पढ़ा है, अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन मेरा पढ़ना बाकी है, तो इन चीज़ों का भी पढ़ना कंटिन्यू है। वैसे कुछ लोगों को मैंने अपने घर में ही ये कुछ पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब उस समय वीडियो बना रहा था तो कुछ लोगों को मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा चुका है, तो मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस है कि इन चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ों को अभी मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक। तो इस साल पेड कोर्स कराने की भी कोई प्लानिंग नहीं है, नेक्स्ट ईयर थोड़ा स्टार्टिंग से इस पर थोड़ा प्रिपेयर करते हुए चलेंगे और नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा उस समय तक शायद, तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि क्या करना है, ठीक। तो देखिए अब आप बात आती है आपके आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग अब जैसे ऐसे से देखते हैं हम लोग, ऐसे में आप कभी भी ऐसे लिखने बैठेंगे तो ऐसे लिखते समय आप कभी भी इसमें दो चीज़, इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका मेन बॉडी और तीसरा होता है आपका कंक्लूजन या जिसमें आप अपने स्वयं के विचार रखते हैं, ठीक। मेन दिक्कत आपके मेन बॉडी में और लास्ट के कंक्लूजन में ही रहता है, मेन बॉडी में तो आपको पूरे के पूरे आंकड़े और फैक्ट डालने रहते हैं, वर्तमान की जो भी आपके फैक्ट है आपको मेन बॉडी में रखना है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है उसको तैयार करने में शुरुआत करने में ही काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है। तो देखिए जब कभी भी आप ऐसे लिखने बैठे तो ऐसे को ऐसा तैयार कीजिएगा कि उसको उसका एक पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड, उसका एक हिस्ट्री से उसको स्टार्ट करते हुए उसको आपको वर्तमान में ला कर पटकना है, ठीक। बैकग्राउंड उसका हिस्ट्री से ला करके उसको एट प्रेजेंट वर्तमान में उन चीज़ों को ख़त्म करना है, ऐसा इंट्रो तैयार करना है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एक टॉपिक हम उठा लेते हैं, जैसे आपका महिला वाला, जैसे जो सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को प्रवेश से जो रोका गया है, ठीक, तो इसका बैकग्राउंड कैसे हो सकता है, जैसे भारतवर्ष जो कि एक धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, भारतवर्ष धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ नारियों की सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन वर्तमान के इस आधुनिकता के युग में शास्त्रों में लिखी गई यह बातें केवल शास्त्रों के पन्नों के शब्द मात्र बनकर रह गए हैं। आज के इस वर्तमान के दौर में जहां संविधान में लिखा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सामाजिक स्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, लेकिन कुछ रूढ़िवादी इसी धर्म को ढाल बना करके संविधान के भी विस्तार को सीमित करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे आप क्या है थोड़ा बैकग्राउंड लेकर के आप इसको प्रेजेंट में ला करके ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे टाइप से आप अगर चालू करेंगे तो एक क्या है आपका इंट्रो भी अच्छा बनेगा, आप हिस्ट्री से प्रेजेंट को कंपेयर करते चलेंगे तो आपका एक आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छा प्रिपेयर होगा, ठीक। तो ऐसे ही कोई भी अगर टॉपिक आप चालू करते हैं ना तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड से उसको उठाइए और उसको आप एट प्रेजेंट वर्तमान में ला करके उसको ख़त्म कीजिए। ऐसे करते करते पृष्ठभूमि तैयार करना है, मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी फैक्ट नहीं देना है, फैक्ट आपको मेन बॉडी में देना है, जहाँ पे आपको इंट्रो खत्म हुआ अब आप मेन बॉडी चालू कर रहे हैं तो आप जैसे आपको कोई इकोनॉमिक जैसे कृषि अर्थव्यवस्था से आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उसमें आप आंकड़े देना है तो आंकड़े दे सकते हैं, फैक्ट देना है तो फैक्ट दे सकते हैं, आपको जो भी देना है आपको मेन बॉडी में देना है। निष्कर्ष में आपको अपना विचारधारा अपना कंक्लूजन के साथ ख़त्म करना है, वहाँ पर भी आप हिस्ट्री से आप उसके बैकग्राउंड मतलब उसके प्राचीन समय से लेकर के उसको वर्तमान समय में ला करके आपको उसका बैकग्राउंड वैसे ही ख़त्म करना है, ठीक। अपने
में थोड़े आपको अपने थॉट्स डालने पड़ेंगे, वो आप थोड़ा अपने सोचने का दायरा बढ़ाएंगे तो हो जाएगा वो भी ठीक। अब जैसे है आपका भाग एक हिस्ट्री, अब कई लोग बोलते हैं कि हमसे जो है आंसर राइटिंग में जो कुछ लोग भाषा शैली करते हैं, देखिए जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी आपके टॉप किए हैं अगर आप सभी का इंटरव्यू देखेंगे तो कुछ लोग भाषा शैली पे जोर देते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि उनकी आंसर राइटिंग उतनी खास नहीं थी, भाषा मतलब अच्छे अच्छे वर्ड का वो यूज़ नहीं कर पाते थे फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे भाषा शैली का प्रयोग करते हैं और दूसरे जो साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन उसमें जो वो फैक्ट डालते हैं, जो आंकड़े डालते हैं, सरल शब्दों में ही वो ऐसे फैक्ट डालते हैं जिससे उनको नंबर मिलते हैं। जितने भी लोग का सिलेक्शन होता है सभी का इंटरव्यू सुना कीजिए, सब के सब से आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। दोनों देखिए जो आपका CGPSC मेंस है वो लगभग आपका 1550 मार्क्स, 1400 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, 1550 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम है, जिसमें से लगभग 50% यानी 750 से 800 नंबर में आपको केवल 750 मतलब समझ रहे 50% में आपका सिलेक्शन हो जाता है, पूरे नंबर किसी में नहीं मिलते। 50% मार्क्स में आपका सिलेक्शन होता है लगभग 750 मार्क्स में और 800-850 मार्क्स वाला टॉपर रहता है ठीक। तो ये जो आंसर राइटिंग है ऐसा नहीं है कि आपको केवल भारी भारी शब्दों का यूज़ करना है, आप नॉर्मल शब्दों से भी कर सकते हैं लेकिन आपको फैक्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अब जैसे भाषा शैली, जैसे समझ लीजिए आप हिस्ट्री का ही क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप जैसे हिस्ट्री हो गया या ऐसे हो गया कुछ भी चीज़ लिखना जब आप चालू करते हैं ना तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो टॉपिक सोच रहा हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे को लिखना है। अब जैसे मेरे को हिस्ट्री का आंसर लिखना है तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री सोच रहा हूँ तो केवल हिस्ट्री के ही शब्द उसमें आने चाहिए, हिस्ट्री के साथ साथ एट प्रेजेंट आपके माइंड में ज्योग्राफी भी चलना चाहिए, एट प्रेजेंट आपके माइंड में इकोनॉमिक्स भी चलना चाहिए, एट प्रेजेंट आपके माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट भी चलने चाहिए ठीक। अब जैसे इतिहास का अगर मैं बात करूँ तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझाइए करके प्रश्न आता है तो कुछ लोग कैसे लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जो कि अपने नगर नियोजन के लिए, भवन निर्माण के लिए, व्यापार उद्योग के लिए जानी जाती थी, इसका विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में था ठीक। ये हो गया आपके, मैं छोटे प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ये हो गया आपका नॉर्मल आंसर राइटिंग, नंबर इसमें ही मिलेंगे, नंबर इसमें भी मिलेंगे लेकिन कम नंबर मिलेंगे। अब जैसे आपको मैंने कहा भाषा शैली तो आपको दिशाओं का ज्ञान होगा, उत्तर दक्षिण आपका ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये है आपका समझ लीजिए भारत का नक्शा। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इधर पंजाब राजस्थान और आपके पाकिस्तान की तरफ था ठीक। तो देखिए इसका आंसर राइटिंग कैसे हो सकता है कि देखिए बड़े स्तर पे यदि हम देखें तो एक होता है महाद्वीप, महाद्वीप का छोटा सा हिस्सा कहलाता है आपका उपमहाद्वीप। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार से यदि प्रश्न आता है तो मैंने क्या कहा आपको एट प्रेजेंट भारत का भूगोल भी आपके माइंड में रहना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री भी रहना चाहिए, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, सब चीज़ जो चीज़ आप लगा सकते हैं वहाँ पे दिमाग वो सारी चीज़ों को लेके करना है आपको ठीक। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर, ये आपका पश्चिम हो गया या उत्तर हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में केंद्रित विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता जरूर है लेकिन सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, इससे इसके समकालीन और भी इससे प्राचीन सभ्यता बहुत है, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता से भी काफ़ी प्राचीन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में केंद्रित विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में था। यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन, स्थापत्य कला, वास्तुकला, व्यापार, उद्योग, अपने भवन निर्माण आदि के लिए विशेष प्रासंगिकता धारण किए हुए था ठीक। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, वर्डिंग बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतने सारे जो सब्जेक्ट इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं उसको आप किस प्रकार से यूज करते हैं। अब जैसे आगे आपको छत्तीसगढ़ इतिहास ठीक, छत्तीसगढ़ का जैसे इतिहास लिखना है तो मैंने आपको कहा छत्तीसगढ़ समग्र की जो 2015 की बुक है वो काफ़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है इसका आंसर समझिएगा। जैसे इसमें एक आता है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, अब कई लोग बोलते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में हम वर्डिंग कैसे लिखे। 2015 का जब यदि आप छत्तीसगढ़ समग्र पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा वर्डिंग यूज़ हुआ। जैसे 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का योगदान, देखिए उसमें लिखा हुआ क्या है, 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वर्ष हजारों लाखों भारतीय स्वाधीनता प्रेमियों ने अपनी हाथ में क्रांति की मशाल लेकर के ब्रिटिश की दासिता से मुक्त पाने का प्रथम प्रयास किया।
अंग्रेजों के अत्याचारों से, दमनकारी नीतियों से हमारा छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। हमारा जो छत्तीसगढ़, जो धान का कटोरा कहे जाने वाला शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ भी इस अंग्रेज की दमनकारी नीतियों के कारण इसके भी खेत खलियान क्रांति की ज्वाला में धधकने लगे और इन्होंने भी स्वराज की मांग को लेकर के विद्रोह का शंखनाद किया। ठीक, समझ रहे, वर्डिंग कहाँ से घूम फिर गए। इसमें भी क्या है, इंडियन हिस्ट्री को छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहा है। छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा, शांति में छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी क्रांति की ज्वाला में धधकने लगा, तो ऐसे वर्डिंग का इसमें यूज हुआ है। तो ये क्या है, आपको आज नहीं कभी ना कभी आपको आंसर राइटिंग में ये काफी मदद करेगा। जो इस साल जो तैयारी कर रहे हैं उनको मिलता है तो वो भी ठीक है, जो अगले साल का तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बुक को कहीं से ढूंढिए, आपको अच्छे अच्छे इसमें वर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब प्रश्न जो पूछे जाते हैं और उस प्रश्न में आंसर कैसे लिखना है उसको समझिएगा। जब कभी भी कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न के एंड में देखिए कि पूछ क्या रहा है, व्याख्या कीजिए पूछ रहा है, वर्णन कीजिए पूछ रहा है, विवेचना कीजिए पूछ रहा है, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए पूछ रहा है, विश्लेषण पूछ रहा है, या फिर आपसे तार्किक विखंडन पूछ रहा है। ठीक, पूछ क्या रहा है ये आपको देखना है। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए, तो जो चीज़ें नॉर्मल फैक्ट की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपने बुक में पढ़ा है, बुकिश लैंग्वेज जो आपने पढ़ा है, आपको केवल उन चीज़ों को एज इट इज़ लिख देना है। लेकिन यदि कहीं आता है कि इन चीज़ों का आलोचनात्मक, एक प्रश्न पूछ दिया है और लास्ट में लिखा है कि इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक वर्णन का मतलब ये होता है, देखिए आलोचना का मतलब वैसे निगेटिव सेंस में होता है किसी की बुराई करना, लेकिन यहाँ आलोचना का मतलब प्रश्न में होता है कि उसके गुण भी बताइए, उसके दोष भी बताइए। ठीक, आलोचना, उसकी आलोचना करना है आपको, आपको बताना है कि इस चीज़ के क्या ये फायदे हैं तो इसके ये नुकसान भी है, एक आपको समालोचना करना है, एकदम बैलेंस, उनकी बुराई भी करनी है उनकी अच्छाई भी बतानी है। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम के ऊपर आपको यदि आता है कि इसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या आलोचनात्मक इसको बारे में आलोचनात्मक वर्णन कीजिए आता है, तो आपको बताना है कि घरेलू हिंसा जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा आपका अधिनियम रहा, या फिर आपकी इससे महिलाएँ सुरक्षित महसूस करती है, महिलाओं के लिए नए नियम अधिनियम कानून, वो आप सभी को मालूम है कि पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि इसके बारे में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। अधिनियम आया है तो इसके पॉजिटिव पॉइंट तो सबको दिख रहा है, लेकिन आपको इसका निगेटिव पॉइंट बताना है कि इसका मिसयूज भी हो रहा है। जैसे दहेज उत्पीड़न को लेकर के आप पढ़ रहे होंगे डेली न्यूज़ में कि कहीं ना कहीं आपका इसका मिसयूज करके जबरदस्ती ससुराल पक्ष वाले को फंसाने की कोशिश भी करती है महिलाएं। घरेलू हिंसा के भी आपके कई बार जो मतलब झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है, तो ऐसे टाइप का आपको उसमें एक आलोचनात्मक उसका वर्णन करना है। ठीक, अब आता है जैसे आपका विवेचना करना, विवेचना करने वाले में भी आपको अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें बतानी है, लेकिन इसमें आपको अच्छाई ज़्यादा बताना है, बुराई कम बताना है। जहाँ पे विवेचना कीजिए आ रहा है उस विवेचना कीजिए वाले क्वेश्चन में आपको निगेटिव पॉइंट बताना है और उस निगेटिव पॉइंट को अपने ही शब्दों में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। ठीक, निगेटिव चीज़ जो आप बता रहे हैं कि इसकी ये चीज़ें निगेटिव है, लेकिन ये होना भी सही है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे टाइप का आप उस निगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है आपका विवेचना करना। एक आता है आपका तार्किक विखंडन। तार्किक विखंडन का मतलब होता है एक आपको सेंटेंस दे देगा, जैसे आप पजल सॉल्व करते हैं, एक आपको समझ लीजिए जैसे पहली टाइप का कोई प्रश्न दे रहा है, उसको आपको सरल शब्दों में उसको आपको तोड़ करके अपनी भाषा में बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह इंद्र ही था जिसने आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया। ठीक, वह इंद्र ही था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया। आप सभी को मालूम है कि आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे आपका बाढ़, भूकंप, महामारी, बाह्य आक्रमण बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ आपको एक सेंटेंस दे दिया है कि वह इंद्र ही था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया, पूछ रहा है यहाँ इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, आपको तार्किक विखंडन करना पूछ रहा है, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण थे जिसमें से एक था आपका बाह्य आक्रमण, तो जो आपके बाह्य आक्रमण की तुलना यहाँ पे आर्यों से की जाती है कि आर्य यहाँ आए होंगे, और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में R37 और H2 कब्रिस्तान मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे उसके ऊंचे वाले स्थानों पे वहां पे छत विच्छत अवस्था में आपके जैसे कोई आक्रमण में हमले में मारे गए नरकंकाल मिले, वहां पे घोड़ों के पदचिन्ह मिले, घोड़ों जो कि आर्यों के समकालीन, घोड़े से आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, घोड़ा अस्तित्व में आया था आपका इनके आर्यों के समय में। ठीक,
आर्य जो है वो इंद्र के उपासक थे, तो ये कहा जा सकता है कि वह इंद्र ही था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया। तो ऐसे आपको उस चीज़ों को तोड़ करके लिखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति वह बीज है जो कि प्राचीन काल में बोया गया, मध्य काल में आकर के वह फला फूला और आपके आधुनिकता आधुनिक भारत में आकर के वह एक पूरा पौधा बना। ठीक, क्या बोल रहा है, भक्ति एक ऐसा बीज है जिसे प्राचीन भारत में बोया गया या प्राचीन काल में बोया गया, मध्यकालीन भारत में वह फला फूला और आधुनिक में आकर के वह एक पूरा पौधा बना। इसमें क्या था, आपको प्राचीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से आपको बेस लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भक्ति की क्या स्थिति थी, मध्यकालीन में आपको सूफी आंदोलन के बारे में बताना है, आधुनिक भारत में आपके जो भी आपके धार्मिक आंदोलन हुए, भक्ति आंदोलन हुए, तो ये ऐसे आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन में आपको महावीर स्वामी और आपके भगवान बुद्ध इनका वर्णन करना पड़ेगा, मध्यकाल में सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन का वर्णन करेगा, आधुनिक में आपका राजा राममोहन राय के द्वारा जो चलाए गए जो भी आपके कार्यक्रम थे, है ना, शुद्धि आंदोलन चलाया गया, तो ये सारे चीजों को आकर के लिंक करके आपको जोड़ को आपको खत्म करना है। ये होता है आपका तार्किक विखंडन वाले प्रश्न। तो देखते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं कि आलोचनात्मक वर्णन दिया है ना तो आप सभी के सभी उसमें पॉजिटिव चीज़ों को ही डाल दे रहे हैं कि हाँ ये सारे घरेलू आपका जो हिंसा अधिनियम है केवल उसके पॉजिटिव पॉइंट ही आप डालते जा रहे हैं। पॉजिटिव के साइड निगेटिव भी देना है, देखना क्या लिखा है, आलोचनात्मक पूछ रहा है, विवेचना पूछ रहा है, व्याख्या पूछ रहा है, वर्णन पूछ रहा है, तार्किक विखंडन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको उसको देख करके उसके आंसर राइटिंग करने हैं। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।